बहुत अच्छी बात है. सलमान खान साहब की जब भी फिल्म आती है एक लोगों में उनका उस फिल्म का इंतजार होता है. वो फिल्म आई तो लोग देख रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. देखना चाहिए. सर आप एक स्टैंड बाई कॉमेडियन से लेकर लोग वहाँ से आते हुए आप एक एक्टर भी बने तो इतना डिफिकल्ट होता है कॉमेडियन के लिए आने के बाद चीज़ें करने स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर फिल्म में कॉमेडी कितना डिफरेंस होता है सर. जैसे आपकी फिल्म थी मनी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे लोगों ने आपके कॉमिक सेंस को समझा लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते लोग उसे भी समझते हैं. सर हाउ डू यू फील कैसा लगता है उस फिल्म से जो पैसा मैंने लगाया वो तो वापस नहीं है लेकिन लोगों की मनी बैक गारंटी होगी. लोग फिल्म देख के मज़ा आ गया अच्छा लगा. और जहाँ तक सलमान खान साहब की बात है बहुत बड़े स्टार है वो और इतने बड़े स्टार हैं कि मतलब ये समझ लीजिए कि दुनिया भर की हर लड़की उन पर मरती है. बट वो उन्होंने शादी नहीं की. मतलब ये समझ लीजिए कि सलमान खान साहब से मैं इसलिए रिलेट कर सकता हूँ कि इन दिनों तीन लोगों का गला बैठा हुआ है. एक मोदी जी का, एक सलमान भाई का और मेरा. तो सोनिया जी का मुझे फ़ोन आया था सोनिया जी का कि तेरा तो गला बैठा है मेरे घर पर आके देख मेरा लल्ला बैठा है. जय राहुल गांधी साहब जय. वो अब तो टेंशन में आ गए कि 7 साल तक जो घोटाला चला 2G घोटाला उसमें ये इनको नुकसान हुआ और दो चार लोगों को फ़ायदा भी हो गया. तो मैं कहता हूँ कि अब आप ये नहीं कह सकते कि घोटाले से कुछ नहीं मिलता. घोटाले से हमें मदरा मिला है. ठीक है. और दूसरी बात है कि जो हमारे सलमान खान साहब हैं उनको बहुत लोग अभी जैसे इसका भी चल रहा बवाल तो लोग बहुत सारे लोग उनको जेल डालने की कोशिश करते हैं. कुछ सीटें फाड़ेंगे पोस्टर भी फाड़ेंगे. उनके नसीब में कैद है ही नहीं. अगर अगले के नसीब में कैद होती तो वो शादीशुदा होता. उसके नसीब में कैद है नहीं. बंधन है ही नहीं उनके नसीब में. इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वो शादी इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि शादी से पहले ही आदमी को लोग कहते हैं टाइगर जिंदा है. शादी से पहले कहते हैं टाइगर जिंदा है. शादी के बाद कहते हैं एक था टाइगर अब नहीं है. सर आने वाले समय में क्रिसमस आ रहा है सर नहीं आ रहा है तो आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देंगे सर. क्रिसमस के लिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक मेरा म्यूजिक स्टोरी मुझे याद आती है. मेरी बहुत ही दर्द भरी स्टोरी याद आती है. वो मैं आपको सुना देता हूँ. और वो जब याद आती है तो मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं. तो मैं आपको मेरी किस्मत में तू नहीं शायद क्यों तेरा इंतजार करता हूँ मैं तुझे कल भी प्यार करता था मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ मेरी किस्मत में तू नहीं शायद. ये मेरी किस्मत में तो नहीं है. ये है मेरी किस्मत. लेकिन आप सबको मेरी क्रिसमस ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. आप जी हजारों साल ये तहरी से दुआ दे रहा रतन बोला और सुनील पाल मेरी क्रिसमस. सर अभी जैसे कि सीजन के साथ अभी मैरिज का भी सीजन आया. सर काफ़ी लोगों ने शादी किया जिस ने वत्सल से और खासकर हॉट कपल अभी अनुष्का शर्मा विराट कोहली तो आपको क्या पैसे देना चाहिए. आजकल तो टीवी पे ए वी छाया है. टीवी पे ए वी दिखाई दे रही है अनुष्का विराट ए वी और उनकी जोड़ी भी बनाई गई. उनका नाम बनाया गया क्या विरुष्का. मतलब ये देखिए कि विरुष्का कहा गया फिर वो सैफ अली खान को सैफरीना कहा गया. पुराने जमाने में होता तो धर्म जी और हेमा जी की जोड़ी को कहता था धर्म और हेमा धर्मा धर्मा जोड़ी धर्मा है और जो बच्चे हैं धर्मा प्रोडक्शन है. सर आपको ये विरुष्का को लेकर बड़ा कॉमिक अंदर में जवाब दिएगा. सर लोग कहते हैं कि हमेशा यू नो जेंट्स का नाम क्यों आता है. विरुष्का का नाम पहले विराट कोहली का क्यों आया पहले विरुष्का शर्मा की इसमें कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इस पर क्या बोलेंगे सर. मैं इस विषय में इसलिए नहीं कुछ कह सकता क्योंकि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल तो जैसे हम सभी बोलते हैं ना कि औरत मर्द एक जैसे हैं तो पुरुष का नाम अगर आगे आ भी जाए जैसे चेयरमैन है चेयरमैन में वुमेन बैठी रहती है. होम मिनिस्टर है ठीक है. राष्ट्रपति है तो वहाँ भी पत्नियाँ और महिलाएँ काम कर सकती है. देश विदेश में आपने देखा होगा तो ऐसा कुछ नहीं सब बराबर हो गया. ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है. विदेश में राष्ट्रपति महिलाएं का क्या कवर पेज आज अनवील हुआ और मुझे बहुत अच्छी अजीब बात ये लगी कि सही आदमी को बुलाया आपने कवर अनवील करने के लिए. रंजीत साहब आए थे और कवर और अनवील करने में इनका तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता. अभी तो हाल ही में इनका यो यो हनी सिंह के साथ एक शो भी हुआ
बोले इसलिए क्योंकि हनी सिंह को बोले कि अगर तू रैप का आर्टिस्ट हो तो मैं रैप का आर्टिस्ट हूँ. मैं समझता हूँ कि पहलाज निहलानी जी ने काफी फिल्मों पे कैची चलाई, फिल्मों तो फिल्मों में टेलर में भी कैची चलाई, कैची वाली टेलर है, टेलर वाली कैची वाला मामला हो गया. लेकिन जब तक वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष थे वो हमेशा दो ही बात कहते थे जो उनके नाम पे भी सूट करता है, उनके काम पे भी सूट करता है कि पहलाज नेहलानी मतलब पहले लाज और हीरोइन को बेवजह नेहलानी. थैंक यू सो मच.